ऑटो चालक एकता यूनियन सीटू के नेतृत्व में रैली निकालकर प्रदर्शन किया। ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन सीटू की राष्ट्रव्यापी आह्वान पर आज गुना में भी ऑटो चालक एकता यूनियन सीटू के नेतृत्व में रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के पूर्व सभा हुई, जिसे सीटू के राज्य उपाध्यक्ष डॉक्टर विष्णु शर्मा, अखिल भारतीय रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन सीटू के राष्ट्रीय नेता एवं ऑटो चालक एकता यूनियन सीटू के जिला महासचिव कल्याण सिंह लोधी तथा सीटू के जिला महासचिव गिरीश कश्यप ने संबोधित किया। सभा के बाद महामहिम राज्यपाल के नाम कलेक्टर की अनुपस्थिति में संयुक्त कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में जिन मांगों को शामिल किया गया है उनमें बस, ट्रक, मिनी बस, ऑटो, लोडिंग आदि में कार्यरत असंगठित सड़क परिवहन श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा अधिनियम बनाने, सड़क परिवहन श्रमिकों को न्यूनतम वेतन, काम के घंटे समेत सभी वैधानिक श्रम कानून के अंतर्गत लाभ दिया जाए, उनका न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये प्रतिमाह सुनिश्चित किया जाए, उद्योग और श्रमिकों की सुरक्षा के लिए मोटर व्हीकल एक्ट संशोधन 2019 में उचित संशोधन किया जाए, राज्य परिवहन नियमों को मजबूत और विस्तृत किया जाना चाहिए, प्रदेश में बंद पड़े मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को पुनः संचालित किया जाए तथा उनके श्रमिकों को पूर्ण राहत दी जाए। सामाजिक सुरक्षा की गारंटी सरकार तय करे, सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देना होगा, नया मोटर व्हीकल एक्ट नहीं चलेगा, हमारी एकता हमारी ताकत जिंदा फौज, ऑटो चालक एकता यूनियन जिंदा फौज, इंकलाब जिंदा फौज, इंकलाब जिंदा फौज, सभी ऑटो चालकों के संबंध में योजना के कार्ड बनाना होंगे। साथियों, आज हम लोग यहाँ पर पूरे देश के अंदर तमाम सारी परिवहन क्षेत्र से जुड़ी यूनियन है महामहिम राज्यपाल के नाम पूरे देश के अंदर परिवहन कर्मियों के लिए सामाजिक सुरक्षा की गारंटी तय करने एवं नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत पूरे देश के अंदर जो परिवहन कर्मियों के लिए के ऊपर भारी भरकम चालान बनाए जा रहे हैं उसके तहत यहाँ पर हम लोग महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन देने आए हैं। पूरे देश का परिवहन कर्मी आज बुरी तरह